तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, किसी की ना मदद ना दुआ चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। बहुत अच्छा लगा यार, कभी बचपन में देखते थे हमारे मेंटर्स, हमारे आइडल्स पार्टिसिपेंट्स को गाइड करते थे, मेंटोरिंग करते थे, तो बहुत जिम्मेदारी का काम है। मुझे लगता है बहुत बहुत अच्छा टैलेंट आपकी बार शो पे है, ऐसा हर बार होता है, बट पर्टिकुलरली एक्साइटेड हूँ कि ऐसा जो टैलेंट है उसको हम मेंटोरशिप करके सही रास्ता दिखाएंगे, अपने टैलेंट के हिसाब से जो उनका पोटेंशियल है उसको वो अचीव कर सके। ऐसा एक नेचुरल मेरा और जिगर का अटेम्प्ट रहा है कि हम पहली एल्बम से नई आवाजों को लेकर आते हैं, एंड वी टेक एब्सोल्यूट प्राइड कि नया टैलेंट है वो फोकस में आना चाहिए, तो इट्स अ विन विन। अरे बिल्कुल, मस्ती का माहौल है और हमारे को-मेंटर्स हमारे दोस्त भी हैं, सचेत परंपरा और गुरु, हमने इन सबके साथ काम किया है, सचेत परंपरा ने हमारे लिए गाया है, गुरु पाजी ने गाया है, तो हमारी एक्चुअली एक तरह से दोस्ती है जो अब एक्सटेंड हो रही है और हम साथ मिलके बस सेट पे खूब मस्ती करने वाले हैं और अच्छी टैलेंट को तराश रहे हैं। बहुत ही अलग अलग टाइप के जॉनर्स टैलेंट एक्सप्लोर कर रहा है। टिपिकली ऑडिशन में गाने वाले गाने नहीं चूज कर रहे, बहुत लोग बहुत डेयरिंग है, ऑल्सो जेन्युइनली अलग अलग तरह की स्टाइल्स फॉलो करने वाले आर्टिस्ट हैं, और आजकल की जो दुनिया है वो सोशल मीडिया की दुनिया है, तो ये सारे ही जितने बच्चे हैं ये अपने लेवल पे सोशल मीडिया पे ऑलरेडी पॉपुलर है, उनकी अपनी फैन फॉलोइंग है, और मुझे अच्छा लगता है कि जब हमारी गलियों से टैलेंट निकल कर आए, क्योंकि मैं और जिगर भी इसी तरह से आगे आए थे, तभी आपको ऐसा एक बंदा अगर मिलता है जो हाथ देता है और आपको आगे का रास्ता दिखाता है, बस वैसे ही मैं और जिगर भी आ गया है, हमारे लाइफ में भी मेंटर्स रहे हैं और ब्लेसिंग्स रहे हैं, और बहुत टाइप का टैलेंट है, लाइट, सेमी क्लासिकल, हार्डकोर क्लासिकल, सम पीपल सिंगिंग सुपर वेस्टर्न म्यूजिक, तो भक्ति संगीत तो काफी, मतलब हमने जो एक ऑडिशन राउंड किया है उसमें हमने काफी अच्छा टैलेंट देखा है हमने, एंड आई होप दैट हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन द स्पॉटलाइट ला पाए। सबसे पहले तो राइट माइंड एंड राइट अप्रोच, मैं हमेशा कहता हूँ कि कंधे हल्के होने चाहिए, खुद आप ही अपना कोई एक बोझा लेके चल रहे हो, तो अपनी जर्नी को डिफिकल्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले अप्रोच, मेंटल अप्रोच, दूसरा आप अपने आर्ट फॉर्म को लेके सीरियस हैं या नहीं, क्योंकि दिस इज नॉट अ पार्ट टाइम जॉब। वो दिन चले गए जब हम सोच रहे थे कि म्यूजिक सिंगिंग हम पार्ट टाइम करेंगे, इट्स अ फुल टाइम जॉब, सो वी आर लुकिंग फॉर समबडी हु कैन एंड्योर वो उस तरह का जो टाइम लाइफ सबको लाइफ गोना हैपन टू एवरीबॉडी, तो ऐसे जब पल आएंगे जो टफ है तब ये कॉन्टेस्टेंट्स अपने अपना मेटल प्रूव कर सकते हैं या नहीं, तो मैं ये दो चीजें जरूर देख रहा हूँ, सुर और ताल तो बहुत बेसिक बात है। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, किसी की ना मदद ना दुआ चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। और हमारे लिए जो आइडिया इन्होंने लाया है वो आप लोग जैसे प्रोमो में दिख रहे बहुत ही यूनिक है, और सचिन और जिगर के गाने इस तरह से अलग अलग जगह पे फिट हो जाएंगे, ये हमारे भी लिए, मतलब सारे हमारी टीम ने रियली फोरफ्रंट पे लाया, तो वी रियली एंजॉयड द प्रोसेस एंड इट्स ग्रेट, आई थिंक द प्रोमो इज मच फन, एंड आई होप ऑडियंस को इतना पसंद आए जितना हमको और सारे हमारी टीम को आया।